यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने लखनऊ की एक वक्फ संपत्ति को माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी को अवैध रूप से बेचने के मामले में मंगलवार को एक वक्फ निरीक्षक निलंबित कर दिया। बोर्ड इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी और संबंधित अन्य लोगों को नोटिस भेजेगा। बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने बताया कि लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र स्थित वक्फ दरोगा मीर वाजिद अली की एक जमीन 25 अप्रैल 2013 को माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को अवैध रूप से बेची गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए वक्फ निरीक्षक मुंतजर महदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जैदी ने बताया कि दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उसके बाद वक्फ अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्रवाई करके जिला प्रशासन से गुजारिश की जाएगी कि वो उस जमीन पर वक्फ बोर्ड को कब्जा दिलाए।